Sydney. Sydney is the third largest city in the world. Whereas the city from where I belong, I mean Karachi, Karachi is the eighth largest city in the world. There's a huge distance between those numbers. But real physical distance between Sydney and Karachi is total 11,000 kilometers. But if you catch an Emirates airline, that 11,000 kilometers will eventually become 14,000 kilometers for you to travel. लाजवाब लोग और लाजवाब सर्विस. इस सफर में मुझे उन्होंने कुछ चीजें दी हैं जो जरूरी अशिया इंसान के पास होने चाहिए. टूथब्रश, आई पैच एंड अ पेयर ऑफ सॉक्स. हाउ सिंपल एंड ईजी लाइफ इज विद दीज थिंग्स. पाकिस्तानी होने के नाते अपनी तैयारी पूरी. हेडफोन्स ऑन, मूवी स्टार्ट. इस फ्लाइट में 2,500 से ज़्यादा फिल्में मौजूद हैं और साथ ही साथ वाईफाई सर्विस और 20 MB का फ्री इंटरनेट, वो भी ऑन फ्लाइट. इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है. मुझे रात में जहाज़ का सफ़र बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. उसकी एक वजह तो यह है कि मैं जिस वजह से अपनी विंडो सीट बुक करवाता हूँ, मैं उसके मज़े नहीं ले पाता. एमिरेट्स एयरलाइन की इस फ्लाइट में सिर्फ एक बुराई है कि पहले आपको कराची के ऊपर से उड़ते हुए दुबई जाना पड़ता है और फिर दुबई से एक दो घंटे की फ्लाइट लेके वापस कराची आना पड़ता है. ये एमिरेट्स एयरलाइन के ऑन फ्लाइट कैमरा के मनाजर हैं. 14 घंटे के सफर के बाद हम दुबई पहुंच चुके थे. एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा अपने एक गेट से दूसरे गेट तक पहुंचने में, जिसमें 15 मिनट मैंने ट्रेन में भी ट्रेवल किया. एयरपोर्ट बहुत बिजी था, शायद इस वजह से कि बहुत सारे लोग जो उम्रे के लिए सऊदी अरब जा रहे थे, उनका ट्रांजिट भी दुबई एयरपोर्ट पे था, बिल्कुल मेरी ही तरह. सफ़र बेशक बहुत लंबा था, लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन की बेहतरीन सर्विस ने उस सफ़र को इतना महसूस नहीं होने दिया. क्या स्मूथ टेक ऑफ और दुबई के नज़ारे. ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस. दुनिया का आठवां बड़ा शहर, रोशनियों का शहर कराची, एक खूबसूरत और एक बहुत ही डाइवर्स सिटी, जहाँ पे इतनी तरह की जुबानें और इतनी तरह की कौमें बसती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ. जो इंसान कराची में रह लेता है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके आराम से एडजस्ट हो सकता है, जैसे कि मैं सिडनी में. कराची पहुंच के मेरी मुलाकात सबसे पहले मेरे दोस्त मेहरान चांडियो से हुई. बचपन से मेहरान चांडियो का शौक सियासतदान बनने का, लेकिन वो हमेशा कोशिश करता है कि वो आदत से मजबूर खुद पे काबू नहीं रख पाता. अब जब थ्रेट इतने ज्यादा हो गए थे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हमारी इकोनॉमी वैसे ही नीचे जा रही है. ये तो मेरा ख्याल है कि सारे लोगों का काम सोच है, की बात है. सोच वो सोच होगी, सोच ऐसे तब्दील होगी जब कोई 8-10 लोग इस बारे में बात करेंगे. मेरे दोस्त कर रहे हैं. मैं कराची सिर्फ 2 हफ्ते के लिए गया था, वो भी एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से. गर्मी तो बस पूछे मत, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जितना भी टाइम कराची में गुजरा वो बहुत अच्छा था. कराची इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, शायद इसलिए कि कराची मेरा अपना घर है. लेकिन
मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इलेक्शंस के बाद कराची विल बी बेटर देन इट वाज एवर बिफोर। सो हम बस उम्मीद अच्छी रख सकते हैं। हमारा शहर बहुत खूबसूरत है और हम बहुत लकी हैं।